वेलकम प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक एक्सरसाइज 2.1, ये आपको ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए नंबर बाय नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताएंगे आपको कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रू फॉल्स बता देने से बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ए पार्ट देखते हैं। जीरो इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए कि नेचुरल नंबर आपका क्या होता है। नेचुरल नंबर आपके होते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपके चलते जाते हैं, ठीक है। मैं ए पार्ट की बात कर रहा हूं। तो जब नेचुरल नंबर आपका 1, 2, 3, 4 वन से स्टार्ट होता है, तो प्यारे बच्चों आप देखिए स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर आपसे कह रहे हैं कि 0, 0 तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है। 0 किस में आता है, होल नंबर में, ठीक है। तो नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और ये क्या कह रहे हैं कि 0 होना चाहिए, तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या होगा, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। क्योंकि नेचुरल नंबर में तो आपका 0 आता ही नहीं है, ठीक है, 1 से ही स्टार्ट होता है। चलिए अब देखते हैं बी पार्ट। 400 इज प्रेडेसेसर। 400 प्रेडेसेसर है किसका, ऑफ 399 का। ऑफ मींस का, 399 का प्रेडेसेसर क्या है, 400। देखिए प्रेडेसेसर का मतलब होता है कि एक नंबर कम हो जाना, 1 कम हो जाना जस्ट बिफोर। तो 399 का जस्ट बिफोर होता है 398, और ये कह रहे हैं कि 400, ये गलत कह रहे हैं, ठीक है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक। या तो यहां पर सक्सेसर होता या यहां पर 398 होता, तब आपका ये ट्रू होता, तो ये भी आपका क्या है, फॉल्स, ठीक है। क्योंकि 399 का प्रेडेसेसर होता है 398। चलिए आगे देखते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, ये पार्ट आपका सी है। जौन सा पार्ट मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, मैं वहां पर नंबर भी आपका डालता चलूंगा, ठीक है। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखिए प्यारे बच्चों, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आपका चलता जाता है। और यहां पर वही आपसे पूछ रहे हैं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 0। और देखिए होल नंबर स्टार्टिंग भी कहां से हुआ है, 0, तो 0 सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा, ये बिल्कुल क्या है आपका, ट्रू है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। सक्सेसर मीन्स जस्ट आफ्टर, 1 उसमें एड कर दीजिए, तो 599 का सक्सेसर 600 होगा, ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। 599 में जैसे मैं 1 ऐड करूंगा तो आपका 600 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका ट्रू होगा। चलिए देखते हैं ई पार्ट। ई पार्ट में क्या है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। जरा मैं ई पार्ट आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों, स्टार्ट विद 0, सॉरी स्टार्ट विद 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और आपका ये आगे भी चलता रहेगा। ऑल नेचुरल नंबर, देखिए सभी नेचुरल नंबर क्या ये होल नंबर होंगे, तो बिल्कुल होंगे, क्योंकि होल नंबर में तो ये सभी भी आते हैं ना। देखिए ये आपका ऊपर वाला होल नंबर था, ये सारे नंबर इसमें भी आएंगे और होल नंबर में 0 भी आता है, ठीक है। तो जो भी नेचुरल नंबर होंगे वो आपके होल नंबर हो जाएंगे, लेकिन सभी होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है ई वाला पार्ट कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, देखिए ये सभी नेचुरल नंबर हैं, ये आपके होल नंबर में भी आते हैं, ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा।
आगे देखिए, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे? देखिए यहां से लेके यहां तक तो आपका सब कुछ इसमें आएगा, लेकिन जैसे ही बात करेंगे जीरो की, तो जीरो होल नंबर में आता है लेकिन जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, इसलिए सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं हो पाएगा, तो आपका एफ वाला क्या होगा, फाल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रेडिसेसर ऑफ ए टू डिजिट नंबर, मतलब किसी भी टू डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर यानी कि जस्ट उसका बिफोर इज नेवर ए सिंगल डिजिट नंबर। देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहे हैं ये, जी वाला पार्ट देखते हैं कि किसी भी नंबर का नंबर कैसा होना चाहिए आपका, टू डिजिट। मान लीजिए मैंने आपका लिया 99, तो 99 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 98। तो यहां पर भी देखिए टू डिजिट है और यहां पर भी आपका टू डिजिट है, वही बात ये कह रहे हैं कि टू डिजिट वाले का प्रेडिसेसर कभी भी सिंगल डिजिट में नहीं आएगा। यहां पर तो नहीं आया, मैंने फिर से एक एग्जांपल लिया 20 का, इसका प्रेडिसेसर क्या हुआ, 19। यहां भी टू डिजिट, यहां भी टू डिजिट, अभी तक तो बिल्कुल सही जा रहा है। मैंने 11 लिया, 11 का क्या होगा, 10 हो जाएगा, यहां भी टू डिजिट, यहां भी टू डिजिट। लेकिन जैसे ही मैंने 10 लिया तो 10 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा, 9, और यहां पर टू डिजिट था और यहां पर क्या हो गया, 1 डिजिट। और ये आपसे क्या कह रहे हैं कि नेवर ए सिंगल डिजिट, कभी भी सिंगल डिजिट नहीं आएगा, और देखिए यहां पर आ गया, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। अगर यहां पर ये लिख देते टू डिजिट नंबर इज मे बी ए सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट आ सकता है, तो आपका ट्रू हो जाता। ठीक है, चलिए तो जी वाला आपका हो गया। एच वाला देखते हैं, वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखिए प्यारे बच्चों होल नंबर मैंने कहां लिखा था, ये वाला है। ठीक है, ये आपका होल नंबर है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, बार बार इसको बताना पड़ेगा, होल। ठीक है, और ये क्या है आपके, नेचुरल। चलिए, वन इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, प्यारे बच्चों होल नंबर ये है, स्मॉलेस्ट ये बोल रहे कि वन आपका स्मॉलेस्ट है, लेकिन इससे भी छोटा आपका नंबर और है कि जीरो, तो वन स्मॉलेस्ट होल नंबर नहीं होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, जीरो होगा, तो ये आपका फॉल्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आई पार्ट। द नेचुरल नंबर वन हैज नो प्रेडिसेसर, ये कह रहे हैं प्यारे बच्चों, जी आपका आई वाला पार्ट है, कि जो वन है, वन का प्रेडिसेसर कोई नहीं होगा अगर वो नेचुरल नंबर है। तो अब बात करेंगे नेचुरल नंबर की। देखिए नेचुरल नंबर में थ्री का प्रेडिसेसर हो जाएगा 3, 4 का 3 हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, लेकिन 1 का प्रेडिसेसर नेचुरल नंबर में नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही कहां से होती है, 1 से। ठीक है, इसका प्रेडिसेसर जैसे ही हम करेंगे तो आंसर आपका 0 आएगा, और 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए आपका ये क्या होगा, फाल्स हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, द होल नंबर वन हैज नो प्रेडिसेसर, होल नंबर जो है आपका वन, उसका कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता है। अब जानते हैं होल नंबर पर, तो होल नंबर का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर जैसे ही हम यहां पर माइनस वन करेंगे, जीरो में जैसे ही हम माइनस वन करेंगे तो आपका माइनस वन आ जाएगा, और माइनस वन आपका इंटीजर है ना कि होल नंबर, तो जीरो का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही बोल रही है, तो आपका ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये प्यारे बच्चों ये वाला पार्ट आपका कौन सा होगा, एक सेकेंड, होल नंबर वन हैज नो प्रेडिसेसर, ये मैं यहां कर देता हूं, ये बिल्कुल ट्रू कह रहे हैं। ठीक है, ये वाला शायद ये वाला पार्ट है, ये वाला के वाला। ठीक है, चलिए इसका मैंने वहां पर बॉक्स नहीं बनाया था, चलिए के वाला देखते हैं। द होल नंबर 13 लाइज बिटवीन 11 एंड 12, देखिए के वाला पार्ट देखते हैं, ये कह रहे हैं
कि जो 13 है वो 11 और 12 के बीच में आएगा, 11 और 12 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 13। भैया ये कब से होने लगा, ये कब से होने लगा, 11 और 13 के बीच में 12 आ सकता है, काउंटिंग करेंगे ना, 11 12 13 14 ऐसे चलता है, तो 11 के बाद तो जस्ट 12 आता है, तो 13 बीच में कैसे आ जाएगा, देखा ना बिटवीन, तो बीच में कैसे आ जाएगा, ये गलत है, ठीक है, ये आपका फॉल्स है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पार्ट कौन सा रहेगा आपका, एल, द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर। ये कह रहे हैं जो होल नंबर है, ये एक सेकंड, द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, सॉरी ये जे वाला आपका फॉल्स है। देखिए द होल नंबर वन हैज नो प्रेडिसेसर, और देखिए 1 का प्रेडिसेसर 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका जो है जे वाला, ये प्यारे बच्चों आपका फॉल्स कह रहे हैं, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये फॉल्स कह रहे हैं, ठीक है, जे वाला, द होल नंबर 1 हैज नो प्रेडिसेसर, क्योंकि 1 का प्रेडिसेसर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। अब एल वाला पार्ट देखते हैं, द होल नंबर 0 हैज नो प्रेडिसेसर। अब देखिए 0 का कोई प्रेडिसेसर होगा, कोई नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, और वही बात आपसे भी बोल रहे हैं कि 0 का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होगा होल नंबर में, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है, इसको जरा फिर से देखिए, ये वाला आपका फॉल्स रहेगा, ठीक है, माफ कीजिएगा, जे वाला थोड़ा मैंने यहां पर नंबर नहीं देख पाया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एम वाला पार्ट, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। जरा देखिए इसको देखते हैं, मैं यहां पर इसको इरेज करता हूं, ठीक है, देखिए एम वाला पार्ट देखेंगे, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट नंबर का सक्सेसर, जैसे 10 का सक्सेसर क्या हो जाएगा, 11, इज ऑलवेज ए 2 डिजिट नंबर। देखिए यहां पर भी 2 डिजिट नंबर थी आपके, इसका सक्सेसर मैंने बनाया 11, और यहां पर भी क्या है आपकी 2 डिजिट नंबर है, मैंने बनाया 90, तो इसका सक्सेसर जैसे हम करेंगे तो क्या बनेगा, 91, तो यहां भी 2 डिजिट और यहां पर भी 2 डिजिट। जैसे मैंने आपसे कहा 98, तो यहां पर भी 2 डिजिट, और 99 ये इसका सक्सेसर बनेगा, तो यहां पर भी 2 डिजिट, अभी तक तो बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने यहां पर किया 99, तो 99 का सक्सेसर क्या बनेगा, 100, तो यहां पर है 2 डिजिट और यहां पर कितने हैं, 3 डिजिट, तो यहीं पर आपका ये वाली थ्योरी क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, जो आपसे ये बोल रही है ना कि ऑलवेज हमेशा 2 डिजिट नंबर ही आएगा, तो देखिए यहां से 2 से कितना आ गया, 3 डिजिट आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, सभी क्वेश्चन को यहां पर एक्सप्लेन किया, बस थोड़ा सा यहां पर एक मिस्टेक हुई थी जे वाले पार्ट में, इसको आप देख लीजिएगा कि होल नंबर 1 होल नंबर का कोई भी प्रेडिसेसर नहीं होता है, और देखिए 1 का प्रेडिसेसर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, ये हो जाएगा, और ये कह रहे हैं नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर भी, ठीक है, फिनिश हुआ, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, आपका आएगा, ऑल द बेस्ट।